चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आपकी पीएनएसटी 2022-23 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2022-23 पीएनएसटी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। कब इसकी एग्ज़ाम है और कब इसके फॉर्म आने वाले हैं और कैसी क्लासें मिलेगी आपको। डेली सारी जो क्लासें चल रही हैं उसके बारे में आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि MP PNST की डिटेल आपको पता है कि ये महिला वर्ग के लिए है। 4 साल का इसमें पाठ्यक्रम होता है। शैक्षणिक योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, 12th पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 45% या जो भी है वो होना चाहिए, एज होना चाहिए 17 वर्ष। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट आता है, बायोलॉजी आती है 30 नंबर की, जूलॉजी आती है 30 नंबर की, फिजिक्स आती है 30 नंबर की, केमिस्ट्री आती है 30 नंबर की और इंग्लिश आती है 30 नंबर की। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, कब से चल रही हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो सोमवार है 6 तारीख से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जिनको ऐड होना है बिल्कुल इस नंबर पर ऐड हो सकते हैं। हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको डेली जो है वो सारी फ्री क्लासेस मिलेगी। क्या हम अभी तक जितने भी PNST हुई हैं अभी तक फ्री क्लासे ही पढ़ा रहे हैं, तो जिनको ऐड होना है बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना PNST 2022-23 और बता देना। चलिए, इसमें क्या क्या रहता है। इसमें 30 नंबर की आपकी आती है बायोलॉजी, 30 नंबर का आपका आता है जूलॉजी, 30 नंबर की आती है आपकी केमिस्ट्री, 30 नंबर का आता है आपका फिजिक्स और 30 नंबर की आती है आपकी इंग्लिश। ठीक है, ये 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब इसकी जो क्लासेज जो कल से चलने वाली हैं वो आपको बता देता हूँ। कल से जो आपकी क्लासेज चलेगी, सुबह 7:30 बजे क्लास चलेगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की रहेगी वो, फिर आपकी चलेगी 9:15 पर चलेगी मॉर्निंग में, या दोनों टाइम लिख लेता हूँ, 7:30 AM पर आपकी चलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री, 9:15 पर चलेगी आपकी बायोलॉजी और जूलॉजी, 9:15 AM पर, 9:15 AM पर चलेगी आपकी बायोलॉजी और जूलॉजी। उसके बाद जो आपकी जो क्लास चलेगी उसके बाद आपकी क्या बची है, साइंस की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपकी जो क्लास चलेगी एक थ्योरी की क्लास हो जाएगी, दिन में कभी भी हो जाएगी वो एक थ्योरी की क्लास। उसके बाद शाम को 5 PM पर चलेगी ANM के लिए या पटवारी वन रक्षक के लिए MP GK चलेगा, और फिर रात की 9 बजे साइंस की क्लास चलेगी। ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है, सुबह 7:30 बजे, 9:15 पर एक थ्योरी की क्लास, शाम को 5 बजे एक, रात की 9 बजे, है ना, और एक इंग्लिश की क्लास चल सकती है 7:30 बजे, 7:30 PM पर। ठीक है, ये आपकी सारी क्लास, ये फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये आपका हो गया बायोलॉजी जूलॉजी हो गया, ये आपकी थ्योरी की क्लास हो गई, ये आपकी शाम को GK की क्लास हो गई, ये रात की 9 बजे मिक्स क्वेश्चन हो गया और एक रात की 7:30 बजे ये क्लास हो गई। ठीक है, तो ये सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो जिनको, हाँ देखो, अब आपके पास आपकी एक फॉर्म जो भराएंगे वो 15 फरवरी से भरवा रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो 8 जून को होगी। तो अब देखो, आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1, 2, 3, 4, 5 महीने में अगर आपने PNST नहीं निकाली तो फिर क्या किया। क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद अभी तक तो आपने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम कब से पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो ये टाइम अब वेस्ट ना करें। ठीक है, आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, तो अच्छे से तैयारी करें। अगर आपने अभी 5 महीने अच्छी मेहनत करके तैयारी नहीं करी, क्योंकि इस बार पोस्ट भी अच्छी है, DME की भी है, DHSS की भी है, सभी की है, तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, 5 महीने मिले हैं इस बार, पहली बार अभी तक इतना टाइम किसी को नहीं मिला। हर महीने में एग्ज़ाम होता है, हो जाती थी, लेकिन अभी आपके पास समय है, तो इस समय का अच्छे से उपयोग करें। हम
पिछली बार भी फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट राउंड पीएनएसटी का जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उसमें 100 बच्चों के सिलेक्शन हुआ है। सबके फ़ोटो है मेरे पास, सबके नाम है। एक दिन उसका अच्छा सा पोस्टर बना के आपको जो लाइव क्लास चलती है ना बिल्कुल फ्री उसमें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो बताने से भी अच्छा रहता है ना। तो 100+ स्टूडेंट अभी जो फर्स्ट राउंड हुई ना, अभी सेकंड राउंड वाले के आए नहीं है, फर्स्ट राउंड हुई हैं उन्हीं का ही अभी का आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि 100+ स्टूडेंट के सिलेक्शन हैं अभी तक, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात सर, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लगाने से क्या तैयारी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 11th 12th की, मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो उसके लिए, है ना। अपने अच्छे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा। आप यूँ समझते होंगे क्वेश्चन आंसर से क्या होगा, मतलब आप 9:15 पे अगर 15 मिनट की क्लास अगर ज्वाइन कर ही लेते हैं या आधे घंटे की क्लास ज्वाइन कर ही लेते हैं तो आप में उसका उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, आप टाइम नहीं देते हो और फिर आप कहते हो सर हमारा रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, हम पास नहीं आए, हम पास नहीं हो पाए, सर हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारे कम नंबर आए हैं तो हमें कौन सा कॉलेज मिले। तो आप ये सोचते ही क्यों हो, आप ये सोचो ना कि मैं जो मांगूंगी वो मिलेगा। मतलब आपने मांग लिया कि मुझे इंदौर का ही कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा ही सोच दो, 50 नंबर आए हैं सर हमको कॉलेज मिल जाएगा। अरे आप ये सोचो कि मेरे 100 नंबर लाने हैं मुझे और मैं जो चाहूँगी वो कॉलेज मिलूँगी, तो ऐसा सोचो ना आप, तो सोचते हो छोटा सा। सर आप क्वेश्चन पढ़ाते हो उसमें से आएगा है? पहले से नेगेटिव बात नहीं करना है ना, जब हम आपको कब से पढ़ा रहे हैं। आप ये सोचो ना कि 110 लाना है मेरे को और मुझे मेरा मन पसंद कॉलेज लेना है। आप तो 40 नंबर सर मेरा होगा, हमारी रैंक इतनी आई, आपने पढ़ा ही नहीं है और फिर आप बोल रहे हो सर हमारा हो जाएगा क्या। तो आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएंगे, है ना। तो हमारा काम है आपको बताना, आपको लगे तो पढ़ सकते हो, हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ एक बात और, आपको जहाँ लगे कि सर हम वो वाले सर अच्छे पढ़ाते हैं उनसे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर आपकी ज़रूरत है ना। चलिए तो जिनको ऐड होना है बिल्कुल ऐड हो जाना डेली, आपकी कल से क्लास चालू हो रही है। मेरे पास एक समस्या और है कि एक कोई भी मैसेज करते हैं कि सर हमें ऐड कर दो, दूसरे दिन वो उनको लिंक सेंड कर देते हैं, तीसरे दिन उनका एक मैसेज भी नहीं आता है कि हमको क्लास ज्वाइन करनी है। मतलब एक दिन का ही उनको मोटिवेट होते हैं, एक दिन के लिए ही मोटिवेट है, ऐसा नहीं है। मतलब जिनको अच्छे से पढ़ना है वही मैसेज करें कि सर हमको रेगुलर पढ़ना है, सारी क्लास लगानी है, अच्छे से लगानी है, मेहनत करनी है, अच्छे नंबर आएंगे, है ना, तो उसका नंबर आएगा। नेगेटिव बात पहले से नहीं सोचना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एक बुक भी निकाली है, जिनको लेना है मैं बता रहा हूँ, आपकी एक बुक निकाली है जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, जूलॉजी रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, इंग्लिश रहेगा, 7500 क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन है जो IMP आ सकते हैं, जो पिछली बार भी आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये देखो स्मार्ट फोटो, आप PNST की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बुक आपके लिए अवेलेबल है, आप डाहेट की कर रहे हो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, PVFT के लिए, ANM के लिए, CG BSC नर्सिंग के लिए, नीट के लिए, सभी के लिए आपकी ये बुक बहुत अच्छी बुक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है इसमें, बायोलॉजी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें 350 है ना, देखो कितनी शानदार इसकी मेहनत देखो आप। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके ऐसा का ऐसा ही आया था एग्ज़ाम में, अभी PNST की एग्ज़ाम दिए हो तो देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं 350 जिसमें आपका बायोलॉजी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ रहेगा। इसको मंगाने से क्या होगा सर, इसको मंगाने से आप ये क्वेश्चन है, ये PQRS है, इंग्लिश है, सिनोनिम सेंटोनिम सब कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री, सर इसको मंगाने से क्या होगा, इसको मंगाने से आपको मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इससे मंगाने से आपको प्रैक्टिस होगी, क्या होगी प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा देखो अब मैं आपको बता देता हूँ इस बुक से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, 7000 आप क्वेश्चन की ये बुक मंगाते हो, प्लस डेली मेरी सारी क्लासें देखते हो, मेरे पास 25 से 30 बुक का संकलन है,
तो अगर मैं आपको 25 से 30 बुक के क्वेश्चन रोज अगर करते हैं अपन 50 क्वेश्चन 5 महीने तक, तो आपको कितने ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस 7000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि इसमें से आपके क्या 20 क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या? थोड़ा तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए है ना, तो ये क्वेश्चन ये क्लास लगाने से क्या आपके 150 में से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या, है ना? तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जिनको बुक मंगाना है मंगा सकते हैं, जिनको नहीं मंगाना है अपनी फ्री क्लासेस चल रही वो देख सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि आपको मंगाना है। जिनको बुक मंगाना है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, उनको उनका पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा और उस एड्रेस पे आपके 2 से 3 जितने भी दिन लगेंगे, 2, 3, 5 या 7 दिन उनके एड्रेस पर बुक आ जाएगी, ठीक है। अभी आप बहुत सारे गए और बहुत ज़्यादा पैसे का 550 रुपये में इसके 360 तो पेज ही हैं, प्रिंट आउट है 360 पेज के, है ना, फिर कोरियर चार्ज और सब मिलाकर ये तो आपको एक क्या है, एक सेवा कर रहे हैं। सेवा इसलिए कि जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो उतने अच्छे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जितने, नहीं तो अभी तक हमने एक भी बार कोर्स नहीं बनाया, ठीक है। जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, जिनको फ्री क्लास ही पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, जिनको लेना चाहते हैं ये बुक अवेलेबल है, इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, जो भी चाहते हैं आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। और हमारे फ्री क्लास का मैंने टाइम बता दिया, कल से आपके 7:30 बजे से क्लास है, तो तैयारी करो, अभी आपके पास समय है, नहीं तो अगले साल 2024 में घर वाले आपके लिए काम ढूंढ लेंगे। काम मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी कर देंगे, और अभी आपके पास समय है तो पापा ने आपको 1 साल दिया है कि पढ़ ले, आप पढ़ लो अच्छे से, मेहनत करके अपने पापा का सपना पूरा कर दो, ठीक है। इस बार बहुत अच्छा टाइम है, तो जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, और जिनको हमारी क्लास PDF नोट्स जो भी अगर चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। हमारी कल से 7:30 बजे से आपकी क्लास है, तो आप ज़रूर आइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।